वेलकम बैक मैन अदर वीडियो। पिछले बार आपने देखा होगा कि हम लोग तो पूरी से घूमने के बाद वापस अपने घर चले गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोग आज मतलब अराउंड 1.5-2 महीने के बाद हम लोग आज सब मिलने वाले हैं साथ में। और अभी हम लोग लातेहार पहुँच चुके हैं और रूम से निकलने के बाद अभी अपने कॉलेज जा रहे हैं। रूम आने के बाद तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, अभी सब लोग से मिलेंगे भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अभी तो हम लोग 2 लोग आए हैं, अभी मंतोष भी आया जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और अजय भी आ रहे हैं, दीपक भी आने वाला है, नवीन भी आने वाला है, शक्ति भी अभी आने वाले हैं। तो जब सारे लोग मिलेंगे तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। अभी निकू भैया ने गाड़ी दी है तो गाड़ी से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। चला चला फाइनली कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ये नीतीश बाइक चला रहा है, बैठे हुए और आते ही काफ़ी सबको रौनक देखने को मिला है। और जो हम लोग का अंकल दुकान वाला है वो तो बोल रहा है, अरे बाबू कहाँ था तुम लोग इतना दिन, और आया क्या होता है। यहाँ आने के बाद तो मतलब पूछो मत, जितने लोग से मिले ना अब तक सारे लोग ने बोला कहाँ थे यार तुम लोग, पहले आना चाहिए था, हमेशा आते जाते रहो, बहुत कुछ। चलो बने रहो इस ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है। लग रहा है कुछ बोलेंगे तो लग रहा है पहचान। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर एंट्री करना होगा और नीतीश यहाँ से उतर रहा है, यही करेगा एंट्री। हम लोग फाइनली कॉलेज की ओर पहुँच चुके हैं और यहाँ अंकल हैं हम लोग के बैठे हुए हैं जो कि मूवी का मजा ले रहे हैं। साउथ मूवी ना अंकल, पुलिस वाला देख रहे हैं। अंकल काफ़ी अच्छे हैं, बिना एंट्री के किसी को अंदर जाने भी नहीं देते हैं और ऐसे ही होना भी चाहिए। ठीक है आगे तक देखते हैं कि नहीं हुआ, जल्दी करो। अरे साला घड़िया चलता है मेरा भी नहीं चल रहा यार, अभी चल रहा है। देखिए ये है निमन मैम का घर, मतलब मैम का नहीं है आगे। अच्छा मान लो, और यहाँ है हरिंदर भैया का जो कि कॉलेज का सांग बांग आंग और कुछ भी है वो सब भी है भाई। अरे देखो जूनियर है जो कि, और हम लोग का कॉलेज में ना बकरी उकरी सब है भाई। चलो ना सर, राम पुकार से मिल लेता। और यहाँ पर हम लोग का गाड़ी स्टैंड है, यहीं पर हम लोग गाड़ी उड़ी रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कॉलेज का आपको कैंपस दिखा देते हैं, देखिए नारायण नहीं आया। नमस्ते भैया, कैसे हैं। देखिए ये हम लोग का हॉस्टल इंचार्ज के समान है, जब तक नोटिस मतलब साइन नहीं कराएंगे तब तक आपको मतलब कॉलेज से नॉट यूज का एप्लीकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए। अरे ये तो नया कुछ दिख रहा है, क्या है। और ये है हम लोग का नोटिस बोर्ड, यहाँ पर काफी सारे नोटिस जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। हरिंदर भैया नहीं है कब, चलिए इधर चलो ना। और हम लोग का मेन काम है हरिंदर भैया, तो हरिंदर भैया की ओर जाते हुए ए मेरा भी लेगा, हम ही खाली बोलते रहे। हाँ तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जैसा मंतोष मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर हरिंदर भैया के पास, वहाँ जाने के बाद हम लोग उनसे मिलेंगे, मिलने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेंगे और बहुत सारे काम हैं जो कि अभी नारायण सर भी नहीं आए हैं, उसे करने के बाद फिर से वापस रूम। अभी देखिए क्या क्या होता है, लगता है हरिंदर भैया का गेट खुला हुआ है। सो चलिए मिलते हैं
महेंद्र भैया से। फंसते भैया हम लोग पहुंच गए हैं महेंद्र भैया के ऑफिस, मिलते हैं काम के बाद। सर्टिफिकेट ले रहे हैं भैया, अभी अपना काम कर रहे हैं, दस्तखत दे रहे हैं। नारायण भैया को दे दिए हम लोग मिठाई खाने के लिए, ये नहीं बोल रहे हैं। खुशी से अपना वीडियो देखेगा दुनिया का। ये सब दे दीजिए सर। हाँ दे दीजिए, फोटोकॉपी है ना यहाँ। हाँ हम तो बोल रहे हैं ये सब दे दीजिए। नौकरी होगा तो फिर तुम कहाँ जाएगा, फिर यहीं नहीं आएगा, फिर वेरिफिकेशन काम में होगा। क्या चीज होता है नौकरी होगा तो वेरिफिकेशन के लिए आएगा ना कॉलेज से, मतलब वहाँ से आएगा जॉब वाला जो है ना। सब कॉलेज में आना होगा जहाँ जहाँ पढ़े हैं, सब कॉलेज में जहाँ मतलब ये जैसे हम लोग डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट होगा, हाँ। डिप्लोमा के लिए ही नहीं आएगा वहाँ, तो यहाँ पे करेंगे। दे ना तुम ले ही लो ना, इनको दे दीजिए, इनको जरूरत नहीं है, भेज देंगे, इसका घर ही भेज देंगे। क्यों पाकुड़ ये इंजीनियर का साइन है, एंटी देंगे, जीरोक्स नहीं है, चलेगा। अच्छा भी रखो, देखिए पुराना अच्छी फॉर्म, अधूरा फॉर्मेट होगा तो भगाएंगे ना। अरे नहीं वो लोग अपना मतलब अभी नया नया है ना, तो आपका भाषा समझ नहीं रहा है। क्या गाना कह जाते हैं साइन करना होगा हमको मन तो अब जो है अब तो इधर से नारायण भैया का हालात देख रहे हैं, नीतीश साइन कर रहा है यहाँ पर। जाति स्थानीय का मूल उपयोग सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्राप्त किया। हम लोग का काम अब तक ख़त्म हो गया है और अभी केवल हम लोग का टीसी बाकी है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले लिए हैं और हाँ एक फोर फिफ्थ का भी बचा हुआ है, उसको ले लिए हैं। अब यहाँ से होने के बाद अब हम लोग जाते हैं रूम वहाँ पे, क्योंकि आयुष बार बार फ़ोन कर रहा है। और चलिए ये रहा निकुबिया का गाड़ी, इसे करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, तो बने रहिए। अभी अजय भी आने वाले हैं, शक्ति भी आने वाले हैं, दीपक आने वाला है, सो कंटिन्यू विथ अस, बाय बाय। तो ये है हम लोग का हॉस्टल पीछे, अभी हम लोग थोड़ा देख सोचते हैं कि चलिए देख लेते हैं कि अपना हॉस्टल कैसा है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि सारे बच्चे लोग अभी सब बाहर ही रह रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए हैं, अब यहाँ के देखने के बाद अब चलते हैं फिर से वापस। वापस जाने के बाद अब रूम जाएंगे, रूम जाने के बाद फिर से कॉलेज आना है, सो समझ रहे आगे क्या करना है सब। तो फाइनली कॉलेज वापस आ गए हैं और कॉलेज आने के बाद अभी आए हैं आयुष के पास। ये है आयुष, ठीक है, आयुष के घर, अभी घर भी इनवाइट किया है। आपने तो आयुष को कभी इससे पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। सब वीडियो में देखा है, कैसे बोल रहा तू? वैसे स्पेशली नहीं है, लेकिन ये है आयुष जो दोस्त भी है, भाई भी है, सब कुछ है। अभी आयुष के यहाँ बैठे हुए हैं। तब आयुष कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। खुश है हम लोग के आने से? बहुत खुश है। सो अपने आयुष से भी मिल लिया, हम लोग से भी मिल लिए, अब वेट है बस किसका, अजय भैया का। अभी टाइम हो रहा है, यस 1 बज रहा है। ये रहा मंतोष भैया, ये नवीन, ये बस मंतोष भैया को इतना चीज़ मिला है खाने के लिए, इतना शुक्रिया अदा कैसे करें इसका। रियलमी का आईपीएल का
यहाँ पे जिसका वेट कर रहे थे हम लोग, आपको तो पता ही है हम लोग किसका वेट कर रहे थे, अजय भैया का। और यहाँ पे अजय भैया आ चुके हैं, ये रहे। कैसा रहा सफर? बहुत थकान लगा, 7 बजे निकले, 1:30 बजे पहुँचे। आपका कब से प्रतीक्षा किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, सारा काम भी आपका कर दिए हम लोग। बोले करने वेट, काम तो कर दिया, ठीक है। नहीं करना था काम ना? नहीं, काम करना था, वेट नहीं करना था। जो घड़ी दिखाए थे ना वो वाला क्लिप को काट देंगे हम, ठीक है? तुम घड़ी? और आयुष का तो पूछो मत यार, आयुष तो जब से हम लोग आए ना रुका ही नहीं है, लगाया से लगाया ही है, कंटिन्यू। सो हम लोग आयुष घर से निकल गए हैं और अब जाने वाले हैं कॉलेज, क्योंकि अजय भैया भी आ गए हैं। कुछ अजय भैया का कॉलेज में कुछ काम बाकी है, तो उसे करने के बाद फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। तो अभी तो जा रहे हैं हम लोग कॉलेज, वहाँ से मिलने के बाद आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं। सो फाइनली हम लोग अब आयुष घर से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं कॉलेज। यहाँ पे आयुष भी हम लोग के साथ चल रहा है, कुछ आगे गाड़ियाँ आगे है जिसमें गाड़ी पार्क हो रहा है, फिर से आ गए हैं, वी रिटर्न बैक। इधर पहले हम लोग की मैम का रेसिडेंस था, अब नहीं है, बट मैम नहीं है। A few moments later, फाइनली खत्म हो गया। अजय भैया ने डॉक्यूमेंट ले लिया, मैंने भी डॉक्यूमेंट ले लिया, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:30, ओके। और अभी हम लोग आए हैं मार्केट, क्योंकि अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा चिकन विकन बनाते हैं, तो चिकन भी ले लिए हम लोग, चिकन वहाँ कट रहा है। अभी आए थे ग्रीन वेजिटेबल्स लेने, हरी सब्जियाँ लेने, टमाटर धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन, जो भी आइटम होते हैं। इसके बाद फिर अभी तो थोड़ा, अभी तो हम यहाँ पे 2 ही लोग हैं हम लोग, और कुछ लोग आगे हैं। सो आज रात में तो क्या बताएं, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। सो मिस मत करना यार, वीडियो पूरा देखो। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, चिकन यहाँ पे कट रहा है। One hour later. चिकन रेडी हो रहा है अभी। यहाँ पे बस सब लोग हैं, बस दीपक और एक शक्ति भैया, 2 लोग का वेट किया जा रहा है, लेकिन उन लोग की कमी शायद 12 बजे पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो 12 बजे स्टेशन पे आएंगे और आने के बाद हम लोग वहाँ पे पिक भी करने जाएंगे उसे, और कुछ इधर रोटी बना रहा है। सब न्यू है, जूनियर। सब अलग लेवल का है, देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इंजीनियर। स्टडी टेबल का यूज करते हैं रोटी को बनाने में, और एक साथ 2-2 रोटी मिला रहा है, देख रहे हो ना।
खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब टाइम शायद 11 बजने वाला है, तो अब हम लोग चलते हैं दीपक को लाने। तो अभी जाना पड़ेगा स्टेशन, क्योंकि वो शक्ति भी अभी तुरंत शक्तिपुंज से आने वाले हैं, शक्तिपुंज का 11:54 में भी टाइम है। सो चलिए चलते उसे लाने। सो अभी टाइम हो रहे हैं 11:37 और हम लोग जा रहे हैं अभी दीपक को लाने स्टेशन, साथ में शक्ति भी अभी हैं। अभी तो हम और अजय भी आए हैं और पीछे नवीन और मंतोष भी आ रहे हैं स्कूटी से, और आगे गोलू भी अभी अपने घर के पास वेट कर रहे हैं। वहाँ से उनमें लेने के बाद फिर हम डायरेक्ट जाएंगे स्टेशन। वहाँ जाने के बाद 10 मिनट वेट करेंगे, और 10 मिनट वेट करने के बाद आई थिंक 11:50 में ट्रेन आने वाली है शक्तिपुंज। तो चलिए देखते हैं कितना खुशी होता है दीपक को। वो तो पहले 10 मिनट हंसेगा, उसके बाद कुछ बोलेगा। बहुत ठंडा लग रहा है यार, दीपक को लाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। साला उस चूतिया समझेगा कि नहीं, हमें इतनी रात को उसके लिए जाया जा रहे हैं। किसी ने दिखा जय भी आ रहे हैं, आगे नवीन गया, मैं अकेले जा रहा हूँ। काफ़ी ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। Here and there is the दीपक एंड शक्ति भैया, जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो लोग आ चुके हैं। अब ये टाइम का जो बांध है वो टूट गया, ख़त्म हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ, कैसा लगा? परेशान करते हुए आया शक्ति भैया हमको। चलिए। तो फाइनली दीपक को लेने के बाद और शक्ति भैया को लेने के बाद अब हम लोग वापस अपने रूम जा रहे हैं। और अभी तो अजय भैया और क्या बोलते हैं गोलू भैया दोनों एक साथ हैं, मंतोष भैया एंड नवीन एक साथ, एंड हम लोग शक्ति भैया और दीपक भी मेरे साथ हैं। और यहाँ के बाद हम लोग जा रहे हैं रूम, उसके बाद इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी रात भर पीटेंगे। मिलते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। बोलो।